नाज़रीन, रियासती गवर्नमेंट की जानिब से पहाड़ियों को स्टेटस दिए जाने के बाद आज मुख्तलिफ पार्टियों ने इजलास मुनक़द करके गवर्नर और मरकजी सरकार का शुक्रिया किया। इस सिलसिला में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से परेड पार्क पोंच में एक इजलास मुनक़द किया गया जिसमें पार्टी के तमाम कारकुनान और लीडरान ने शिरकत की। खसूसी तौर पर इस दौरान एमएलसी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे जिन्होंने खिताब करते हुए रियासती गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यह स्टेटस पहाड़ियों को मिला है। मजीद क्या था इस दौरान खास, दिखाते हैं आपको निपुण खजूरिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सुनील गुप्ता जी जिस वक्त में सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत थी और बीजेपी की हुकूमत थी, मैं मुबारकबाद देता हूं अपने इन साथियों को, प्रदीप शर्मा जी को, सुनील गुप्ता जी को, जिन्होंने यहां से उठे और जाके नरेंद्र जी मोदी को मिले, अमित शाह साहब को मिले और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी को मिले। और मैं मुबारकबाद देता हूँ स्टेट की पार्टी को जिसमें अरविंदर रैना साहब हैं, जिसमें कविंदर गुप्ता जी हैं, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, जिसमें पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट असेंबली जुगल किशोर जी हैं। मैं जुगल किशोर जी को मुबारकबाद देता आज पहाड़ी स्टेटस की मिलने की वजह से। मैं जम्मू में था, मैं काफी देर से हमने जदोजहद की, गवर्नर से मिला मैं, गवर्नर साहब से एक डेपुटेशन लेकर, और मैं सोचता हूं कि काफी जो जदोजहद हुई, राम माधव जी से हम मिले, पार्टी हमारे जो स्टेट के लीडर हैं मैं सबसे मिला, अमित शाह जी से हम मिले और राजनाथ सिंह जी से मिले, पुंछ से एक डेपुटेशन ही लेकर मैं दिल्ली में गए हुए थे गुप्ता साहब की सदारत में, हमारे सेक्रेटरी है गुप्ता साहब उनकी सदारत में, और हम सब वहां गए और वहां जाकर हम मिले और हमारी पिछले 70 साल से डिमांड रही है पहाड़ियों की। और मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन के टाइम जो है हमें गुमराह किया जाता था, हमें इस्तेमाल किया जाता था, अब जब इलेक्शन खत्म होते थे तब हमें ये पहाड़ी स्टेटस को भी भूल दिया जाता था, हमें भी भूल दिया वोट देने के बाद। इस बार पहली बार हुआ है कि जब वोट खत्म हो गए और स्टेट में से जो हमारा पास हुआ था, हमने ये वहां डिमांड रखी कि किसी मेरे गुज्जर भाई को नुकसान ना हो, गुज्जर भाई को नुकसान दिए बगैर हमें जो पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। और मैं सेंटर का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बगैर एसटी को नुकसान किए हुए हमें पहाड़ी स्टेटस दिया गया, गुज्जर भाई को नुकसान किए हुए पहाड़ी स्टेटस दिया गया, और जो पहाड़ी स्टेटस हमें मिला, ये जो बार बार हमें धोखे दिए जाते थे, हमें उससे बाहर निजात मिली, हमें उससे बाहर निकाला गया। कोई आदमी उम्मीद नहीं कर सकता है कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिल सकता था, हमें पहाड़ी स्टेटस मिल गया है। मैं गवर्नर अपने जो स्टेट के गवर्नर उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और खासकर अपने चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तारीख को कठुआ में आ रहे हैं, विजयपुर में आ रहे हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टेटस हमें देकर हमें माला माल कर दिया, हमारे बच्चे को, बच्चों की जो है आगे हमारे बच्चों का भविष्य है उसको उज्जवल किया, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है जुगल किशोर जी, मैं सबका दिल की तह दिल से उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे पहाड़ी लीडर शहजाद खान साहब, चिश्ती साहब जो भारतीय जनता पार्टी में आए, मैं सोचता हूँ इनका भी जो जज्बा देखकर, इनका जोश देखकर, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पर मेहरबानी की है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट हमारी जो पार्टी है उसने हमें हमारे इन पर भरोसा जतलाया और जिसकी वजह से आज हमें पहाड़ी स्टेटस मिला।